हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ डीआरडी में। दोस्तों आज मैंने बनाई है खीर, बहुत हेल्दी और टेस्टी खीर है। दोस्तों आजकल बीमारी का मौसम चल रहा है तो हेल्दी चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बीमारियां बहुत चल रही हैं आजकल, मेरे बच्चे भी बीमार हुए हैं तो उन्हीं को खिलाने के लिए मैं ये सारी हेल्दी हेल्दी चीज़ें बना रही हूँ और आपको भी रेसिपी दे रही हूँ। तो दोस्तों ये मैंने एक कटोरी मखाने ले लिए हैं, इनको मैंने सेक लिया है और सेकने के बाद ये थोड़े करारे हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं इनको। तो दोस्तों मैंने, अगर आपने वीडियो देखनी है ये मखाने सेकने की, तो वो वीडियो मैंने इसी चैनल पे डाली हुई है। मैंने नमकीन बनाई थी पहले मखाने की, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने मखाने ले लिए, कुछ मखाने मैंने थोड़े से ऐसे ही ले लिए, उनको तोड़ लिया है ऐसे हाथ से। और एक गिलास दूध का ले लिया, मैंने इंडक्शन पे एक पैन रख लिया, उसमें मैं ये दूध डाल दूँगी। और दोस्तों इसमें नापने की ज़रूरत नहीं है, खीर ऐसे ही है, थोड़ा गाढ़े या पतले कर सकते हैं, दूध कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमने दूध नाप के ही डालना है। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है इनको, और जब तक हमारा दूध भी उबल के तैयार हो गया है, ये मैंने गर्म दूध लिया, आप ठंडा भी ले सकते हैं, उबला हुआ भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वही ले सकते हैं। तो ये मखाने जो मैंने ग्राइंड किए थे वो इसमें डाल दिए, थोड़े दरदरे ही पीसे हैं मैंने इनको। और दोस्तों यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी तो होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है मखाने में, और हर बीमारी में खाए जाते हैं। कोई भी बीमारी हो, बीपी शुगर वाला पेशेंट हो, कोई भी हो, सब इसको खा सकते हैं। कुछ मखाने मैंने थोड़े तोड़ के रखे थे कि इसमें पता चले कि ये मखाने की खीर है, और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट मैं इसमें डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल हैं दोस्तों, डालना चाहे तो डालें, अगर आपके पास नहीं है तो मत डालें, ये वैसे भी बहुत हेल्दी और टेस्टी होती है। तो अगर ड्राई फ्रूट डाल देंगे तो थोड़ी और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी और बच्चों को खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, 10-15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। ये मैंने लिया है देसी खांड आधा कटोरी, मैं इसमें वो डाल दूँगी। आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ शक्कर या जो भी आपके पास है वही डाल सकते हैं, सफ़ेद खांड भी आती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी खांड हेल्दी होती है दोस्तों। इसमें कोई भी बीमारी हो उसी के लिए अच्छी रहती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों को ज़रूर बना के खिलाएं, छोटे बच्चे हैं अगर बीमार नहीं है तो भी ये सारी चीज़ें ज़रूर बना के खिलाएं बच्चों को, हेल्दी रहेंगे बच्चे। और आजकल के ज़माने में तो हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छी टेस्टी खीर बन के तैयार हुई है और बहुत हेल्दी भी होती है ये। तो बनाते रहिए दोस्तों, खाते रहिए।